करने की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज हमने उत्तराखंड की एक बेटी को खोया है जिसके लिए सभी दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की है। ये 4-5 दिन से ये मामला चल रहा था और RDM पौड़ी, SSP पौड़ी से और SDM कोर्ट द्वारा जो इंचार्ज लंकेश्वर भी हैं, मेरी लगातार उनसे बातचीत चल रही थी और बहुत दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जिस जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तराखंड की ये संस्कार नहीं है। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफेक्टिव है इस प्रदेश में, क्या पुलिसिंग